अब सिद्ध हो गया देवी संज्ञा कि मेरे बचने के पीछे कोई माया नहीं थी, बल्कि आपके कर्मों की छाया थी। अब आपको आपके कर्मों का दंड मिलेगा और आपके सहयोगियों को भी। क्षमा, क्षमा, मैं देवी संज्ञा के बुलावे में आ गया था। मुझे लगा कि जो भी हो रहा है वो देवों की भलाई के लिए हो रहा है। मुझे शनि का दंड स्वीकार है और मैं नीलिमा को भी देवी स्वीकार करता हूँ। मुझे देवी बनने की कोई इच्छा नहीं। मैं केवल न्याय और सत्य के पक्ष में रहना चाहती हूँ। मैं जान गई हूँ मेरा सृजन क्यों हुआ। मैं शनि की शक्ति हूँ, उसी की ऊर्जा का अंश हूँ। इसलिए मैं अपनी सारी ऊर्जा शनि में विलीन करती हूँ, ताकि फिर से कोई मेरी ऊर्जा का दुरुपयोग ना कर सके। क्षमा करना शनि, मैंने वेग में आकर तुम्हारा बहुत अनिष्ट किया। इसे स्वीकार करो। महादेव को साक्षी मानकर नीलिमा को अपनी शक्ति स्वीकार करता हूँ और नीलिमा को एक अमूल्य रत्न का रूप प्रदान करता हूँ। आज से नीलिमा नीलम नामक रत्न के रूप में जानी जाएगी, रत्न के रूप में जानी जाएगी, रत्न के रूप में जानी जाएगी। वो रत्न जो मेरी ऊर्जा से संपन्न होगा। इस रत्न के रूप में मैं शनि के साथ रहकर उसकी शक्ति बढ़ाऊंगी और जब भी शनि मेरा आह्वान करेगा तो मैं फिर से नीलिमा के रूप में प्रस्तुत हो जाऊंगी। नीलम रत्न सदा शनि का प्रभाव बढ़ाएगा। अब समय है अपने किए का दंड पाने का, संज्ञा देवी। नहीं नीलिमा, मैं कर्म फलदाता हूं और मेरा मानना है कि देवी संज्ञा के प्राण ले लेना इस समस्या का हल नहीं है। जो बार बार अपनी भूलों से ना सीखे, उन्हें मार्ग पर लाने का मार्ग मैं जानता हूँ। मुझे मेरा उचित पद मिल गया है शनि। जब भी मेरी आवश्यकता हो मेरा आह्वान कर लेना। धन्यवाद शनि, तुम मेरे प्राण नहीं ले रहे। मैंने कहा मैं प्राण नहीं लूंगा, परंतु मैंने ये नहीं कहा कि मैं दंड भी नहीं दूंगा। मैंने पिछली बार आपको सावधान किया था कि अपने कर्म सुधारी, परंतु इस बार आपने अपने कर्मों के साथ साथ अपनी आत्मा को भी अशुद्ध कर दिया है। अब आप सृष्टि के किसी भी स्थान में नहीं छिप सकती, क्योंकि अब आपको दंड नहीं, दंड नायक शनि का महादंड मिलेगा। अपने कर्मों के फल से आप नहीं भाग सकती देवी संज्ञा। श्रेष्ठ यही होगा कि आप अपना प्रारब्ध स्वीकार कर लें। रुक जाइए, नहीं, आज ना ही तो मुझ पर दृष्टि डाल पाओगे, ना ही मुझे दंड दे पाओगे शनि। व्यक्ति कितना भी भाग ले, उसके कर्म परछाई बनकर उसके साथ रहते हैं और कर्म फल पीछे। जितना भाग सकती है भागी, परंतु बच नहीं पाएंगे आप। महादेव, मुझे अपना यज्ञ पूर्ण करने के लिए और भी अश्व चाहिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं उन्हें इकट्ठा करके अपना यज्ञ पूर्ण कर सकूं। जो कर्मफल से भागने का प्रयास करते हैं, शनि इसका कर्मफल उसके ठीक सामने ले आता है। अंतिम चेतावनी है देवी संज्ञा, अपने कर्मफल के समक्ष समर्पण कर दीजिए, अन्यथा। यदि मुझ पर प्रहार करने का मन है तो ये विचार अपने मन से निकाल दो कि अब मैं तुमसे भयभीत नहीं होने वाली। अब मेरा प्रहार सहो, मेरा। किसने तुम पर प्रहार किया भाष्य? यश मेरे लिए अश्व नहीं था, मेरे परिवार का अंग था। इस निर्दोष को मार करके महापाप किया है तुमने। क्या हुआ देवी संज्ञा, अपने अपराध के लिए क्षमा नहीं मांगेगी? कैसा अपराध? मैंने जानबूझकर की हत्या नहीं की है। मैंने कोई अपराध नहीं किया, दुर्घटना से हुआ है। तुमने मेरा पीछा किया और मुझे विवश किया कि मैं तुम पर प्रहार करूं। इसलिए इस अश्व की हत्या के तुम उत्तरदायी हो शनि, मैं नहीं। अंतिम अवसर था ये अपनी भूल सुधारने का, क्षमा मांगने का, परंतु आपने उसे भी गवा दिया। अब आपको दंड अवश्य मिलेगा। आपके अश्व के प्राण हानि के लिए मुझे खेद है ऋषिवर। मैं देवी संज्ञा को उनका कर्म फल देने यहाँ आया था, परंतु हानि आपकी हुई, इसलिए अब इन्हें दंड देने का अधिकार आपका है। आप इनके दंड का निर्धारण कीजिए। मैं संज्ञा हूँ, संज्ञा सूर्य पत्नी। तुम मार्ग में आते जाते किसी को भी नहीं कह सकते कि मुझे दंड दे। बस दंड बस। तुमने ना केवल मेरे अश्व की हत्या की है, अपितु अपनी भूल भी स्वीकार नहीं करना चाहती। तुम एक अड़ियल अश्व के समान अड़ी हुई हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम इसी क्षण अश्व बन जाओ। जब तुम लगाम में बनकर परिश्रम करोगी तब तुम्हारा दर्प मद्दित होगा। तुमने मेरे अश्व पर दया नहीं की, इसलिए कोई भी तुम पर दया नहीं करेगा। लंबे समय तक तुम्हें अश्व बनकर पशु की भांति विचरण करना होगा। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे श्राप नहीं मिल सकता। श्राप तो मिल चुका है देवी संज्ञा। आवश्यक नहीं कि शनि अपने दंड से ही कर्मफल किसी और निमित्त से भी आ सकता है। आपने कभी अपने मन पर, अपने विचारों पर और अपने कर्मों पर बस नहीं रखा, इसलिए आपको एक अश्व बनकर किसी और के वशीन होकर रहना होगा। नहीं, क्षमा क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए। कोई तो मार्ग होगा इस श्राप के प्रतिकार का। जब क्षमा का समय था तब उद्दंडता दिखाई, अब कोई लाभ नहीं। नहीं, एक भूल का इतना बड़ा दंड मत दीजिए मुझे, क्षमा कर दीजिए। अब एक ही मार्ग है। जब तुम्हारा पति तुम्हें यहाँ लेने आएगा, तुम्हारी इस दशा में स्वीकार कर तुम्हारे साथ रहेंगे, तब तुम इस श्राप से मुक्त हो पाओगी। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऋषिवर, रुकिए, नहीं, नहीं। जो शनि के मार्ग पर लाने के बाद भी अपना मार्ग ना बदले तो उसके हर मार्ग में शनि खड़ा हो जाता है, जब तक वो उचित मार्ग पर ना आए। जब अपने कर्म फल से भागोगे तब तब शनि ये निश्चित करेगा कि तुम अपने कर्मफल की ओर ही भागो। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते शनि। रुको शनि, सहायता करो मेरी। अंततः कर्मफलदाता ने न्याय कर ही दिया। जो देव योनि में जन्म लेकर भी पशु के समान व्यवहार करे, उसके लिए यही दंड उचित है। नारायण, मैं जानता हूं आप क्यों चिंतित। मेरी चिंता भी उसे नहीं रोक सकती जो महादेव के जीवन में घटित होने वाला है ब्रह्मदेव। उसका आगमन होने को है और इस आगमन के पश्चात जो चक्रवत उठेगा वो भयंकर होगा। क्या महादेव भी ये जानते? हाँ, महादेव और शनि के जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। माता, अब तो ये पौधे शीघ्र ही बड़े हो जाएंगे ना? हाँ, यदि ये मुरझाए नहीं तो। इनकी देखभाल आप करें। वो पौधा मुरझा कैसे सकता है माता? शनि, देवी संज्ञा कहाँ है? वहाँ, जहाँ वो रहने की पात्र है। क्या क्या तुमने उनके साथ? जो किया उनके कर्मों ने किया। मैं तो अचानक जैसे प्रसन्नता और आनंद वातावरण में घुल गया, जैसे जैसे प्रकृति प्रसन्न होकर किसी का स्वागत कर रही है। माता, अचानक मैं बहुत आनंद अनुभव कर रहा हूँ। ये आनंद कैसा है? ये आनंद की धारा कैलाश में फूटी है काकोल। कैलाश, वहाँ क्या हुआ है देवराज? देवी पार्वती ने अपनी संतान रची, सारी सृष्टि उसी का आनंद मना रही। सारे देव कैलाश की ओर प्रस्थान कर रहे। मैं भी सूर्य देव को यही सूचना देने आया था। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। मैं भी देवी पार्वती के पुत्र के दर्शन करना चाहूंगी। अवश्य देवी, बस एक ही विचित्र बात है, महादेव इस शुभ अवसर पर कैलाश पर उपस्थित नहीं है। मैं जाकर दूसरे देवों को सूचित करता हूँ। आज्ञा दीजिए। क्यों ऐसा अनुभव हो रहा है कि कहीं कुछ है जो ठीक नहीं?